Welcome to my channel. Our today topic is barrication. आज हम बात करेंगे barrication के बारे में. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ barrication. Barrication is a safety method whose protect a man from internal injury and external injury or death. Barrication एक प्रकार का सेफ्टी मेथड है जो एक मनुष्य को इंटरनल इंजुरी और एक्सटर्नल इंजुरी से बचाता है. तो आई होप आपने डिफिनेशन ऑफ barrication के बारे में समझ लिया होगा. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ barrication. जैसा कि हम जानते हैं barrication दो प्रकार के होते हैं. पहला है इंडिकेटिव barrication एंड दूसरा है प्रोटेक्टिव barrication. तो आइए हम जानते हैं इंडिकेटिव barrication क्या होता है. इंडिकेटिव barrication में अनेकों पार्ट होते हैं जैसे सेफ्टी टेप, सेफ्टी कोन, रोड रनर, हजार्डस बोर्ड, रोड लाइट, ट्रैफिक लाइट एक्सेट्रा. जैसा कि हम जानते हैं इंडिकेटिव barrication सिर्फ मैन को इंडिकेट करने का काम करता है. जैसा कि हम जानते हैं सेफ्टी टेप, अगर कहीं हम कोई डिगिंग एक्टिविटी या कोई भी हजार्डस वर्क हो रहा है तो उसको हम बैरिकेड कर देते हैं टेप के द्वारा, जिसे वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे खतरा है और उसके आसपास कोई भी मनुष्य या जानवर नहीं जाता है, जिसे हम इंडिकेटिव barrication के श्रेणी में रखते हैं. दूसरा हम जानेंगे प्रोटेक्टिव barrication. तो आइए देखते हैं प्रोटेक्टिव barrication में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. पहला गार्ड रेल, मिड रेल, फेंसिंग एक्सेट्रा. जैसे कि हम जानते हैं कोई मूविंग फैन है, उस पर अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो उसमें आदमी का इंजर्ड होने का खतरा ज़्यादा रहता है. उसको अगर हम फेंसिंग कर देते हैं तो बाई चांस अगर कोई आदमी इधर वहाँ से अगर गुजर रहा है और उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स उससे टच हो रहा है तो उस इंजर्ड होने से बच सकता है. इसे हम प्रोटेक्टिव barrication, जो मनुष्य के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उसे प्रोटेक्टिव barrication कहा जाता है. ये सब है प्रोटेक्टिव barrication के पार्ट्स. तो आई होप आज का लेसन आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ होगा. तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए नमस्कार.